दोस्तों, मैं पहले ही बोल दिया था, शाहरुख खान जो है ना एसआर के, मतलब बहुत साफ है। उनका कैरेक्टर में कोई भी एक भी कोई दाग नहीं है, एकदम साफ है। काम भी अच्छा करते हैं, बहुत पैसा भी है, और एक्टिंग तो सही करते हैं। मतलब एकदम रियलिस्टिक, सब कुछ रियल लगता है। वो कर देंगे ना तो रियल लगेगा। तो वैसे ही है कि आर्यन का कुछ प्रूफ नहीं मिला कि वो ये सब काम किया है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। कोई दोस्त ही नहीं है उसका, प्रूफ नहीं मिला ना। शाहरुख का बेटा है, होना ही चाहिए था। इतना अच्छा बाप है तो बेटा भी अच्छा होगा। हम तो पहले ही से बोल दिया था, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है, इतना अच्छा एक्टिंग करके निकाल जाएंगे। मेनली जो बात है ना कि सेलिब्रिटी लोगों का कुछ दोस्त नहीं होता है। ये रिपोर्टर लोग या फिर जो लोग कॉम्प्लेन करते हैं, ये लोग मतलब फालतू में कुछ वायरल होने के लिए, हाँ कुछ हाइप लेने के लिए कर देते हैं कॉम्प्लेन। लेकिन कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। हमको सब कुछ पता है कि ये लोगों का कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि ये लोग इतना दिन से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे खराब काम कर सकते हैं। नहीं ना, नहीं करेंगे। ये ट्रस्ट है हम लोगों का, और ट्रस्ट हो ना हो, सबसे ज़्यादा है कि पैसा है उन लोगों के पास, तो उन लोग कैसे मतलब वो लोग खराब काम करेंगे ये तो सोच ही नहीं सकते हम। जिसके पास पैसा होता है वो सब अच्छा काम ही करता है, क्योंकि पैसा खराब काम करके नहीं आता है। सही काम करो, पैसा आएगा। लेकिन उसके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना हो पड़ेगा, क्योंकि आदर्श अकाउंट में 10,000 मेंटेन करना होता है। वो तो नहीं कर पाएंगे सीधा काम करके। तो यही बोलना था मुझे कि पैसा कर लो कुछ, और उसके बाद जो करोगे ना वही सही लगेगा। सेलिब्रिटी लोगों के लिए अलग है, आपके लिए अलग है, या ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम है। जिसके पास पैसा होगा सब कुछ सही करने का पावर भी होगा, ठीक है।